टुडे वी विल डिस्कस मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट. सो वी डिस्कसिंग इंडिविजुअल क्लोराइड ऑफ द पीरियड थर्ड एलिमेंट. द फर्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड विच वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. सो नाउ वी डिस्कसिंग मैग्नीशियम क्लोराइड. लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ऑल्सो फॉर्म आयनिक सॉलिड. दे फॉर्म आयनिक सॉलिड. जिस तरह वो आयनिक बनाता है, ये भी आयनिक बना देता है. अच्छा, बट विद अ मोर कॉम्प्लिकेटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर द आयन, मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर द आयन टू एकोमोडेट ट्वाइस एज मेनी क्लोराइड आयन इन एज मैग्नीशियम आयन. यानी यहाँ पर क्लोराइड की जो मिकदार होगी वो डबल होगी एज कंपेयर टू द सोडियम, क्योंकि सोडियम में वन क्लोराइड पर सोडियम, हेयर टू क्लोराइड आयन पर मैग्नीशियम आयन. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस वन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड मीन दैट द ड्यू टू द स्ट्रांग इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस they need a large amount of energy to break these inter-ionic attractive forces, so then they are melt. To overcome the attractive force between the ion, because of the high lattice energy, high lattice enthalpy या lattice energy. Lattice enthalpy क्या चीज है? Lattice enthalpy वो है कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होगी वन मोल आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए. द अट्रैक्ट इंटर आयनिक फोर्स बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन आर स्ट्रांग, सो मोर लेटेस्ट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. सो द लेटेस्ट एनर्जी इज हाई एंड अल्टीमेटली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी हाई. सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड इज नॉन कंडक्टर. ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात कही थी कि सॉलिड में आयनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर होते हैं. रीजन क्या होता है? बिकॉज द आयन आर कंस्ट्रेन. आयन आर कंस्ट्रेन मीन आयन आर नॉट फ्री टू मूव. आयन आर नॉट फ्री टू मूव. हाउएवर अपॉन मेल्टिंग द कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस. When you melt magnesium chloride, it undergo electrolysis. Electrolysis mean that the electricity is conducted through electrolytes. It means that magnesium chloride in molten state or in solution form is an electrolytic conductor. मैग्नीशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होता है कि जिसकी सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट से बिजली गुजर सके. मैग्नीशियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर. आयनिक हैलाइड, आयनिक क्लोराइड लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं. ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. सोडियम तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम में ये कि सॉल्यूशन थोड़ा सा एसिडिक बन जाता है, यानी उसका पीएच तकरीबन 7 से 6 पे आ जाता है, फॉर्मिंग अ स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन. व्हेन मैग्नीशियम आयन आर सॉल्वेटेड, सॉल्वेटेड मीन हाइड्रेटेड. जब मैग्नीशियम आयन के गिर्द वाटर गेरा डालेंगे, सॉल्वेटेड का मतलब होता है कि उसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट के आयन के गिर्द गेरा डाल ले. दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन एंड द आयन इज कॉल्ड सॉल्वेटेड. तो यहां पर वाटर है तो हाइड्रेटेड. जब मैग्नीशियम आयन हाइड्रेट होगा, ये एनर्जी भी रिलीज करेगा, क्योंकि हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. व्हेन मैग्नीशियम आयन आर सॉल्वेटेड फ्रॉम द सॉलिड लैटिस, देयर इज इनफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव टू आयन of magnesium and water molecule to form coordinate covalent bond to form a dative. Dative bond में क्या होता है कि एक की lone pair और दूसरे की plus charge के दरमियान attractive force बन जाती है. Bond between magnesium ion, वही वाली बात हो गई जो मैंने बता दी, magnesium ion and lone pair.
लोन पेयर वाटर की ऑक्सीजन का होगा और चार्ज मैग्नीशियम आयन का होगा, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बनेंगे, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कहते हैं कोऑर्डिनेट एडिटिव बॉन्ड ऑन सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, इट विल फॉर्म हेक्सा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आयन, हेक्सा छ एक्वा वाटर मैग्नीशियम, जिसमें वाटर छ वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के गिर्द घेरा डाले हुए है, ये देखो आपको नजर आ रहा है, दिस इज 6H2O एंड दिस इज मैग्नीशियम और ये उसका रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है कि मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो ये एक और कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास आयनिक क्लोराइड है जो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है, उसकी रीजन यही है कि उसके पास फ्री आयन नहीं है, जबकि क्वेश्चन सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन, फ्री आयन की वजह से ये गुड कंडक्टर है। नाउ वी विल डिस्कसिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने शुरू में ये बात की थी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास कुछ ट्रिकी नेचर रखता है, ये सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में होता है और जबकि लिक्विड स्टेट में और वेफर लिक्विड स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मल प्रेशर पे, लेकिन वेपर फॉर्म में फिर ये कोवेलियंट स्ट्रक्चर बना देता है। अच्छा एल्यूमिनियम क्लोराइड हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर बिकॉज द आयन आर नॉट फ्री टू मूव। मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड ओनली पॉसिबल इट इंक्रीज प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, लेकिन यहां पर यह होगा कि इसका जो नेचर है ये आयनिक से कोवेलियंट की तरफ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई आयन भी नहीं होगा, इसके पास कोई आयन नहीं होगा, और ये मोल्टन स्टेट में अगर मोल्टन स्टेट में तब जाएगा जब आप प्रेशर को ज्यादा करोगे, और ये मोल्टन स्टेट में जब जाएगा तो ये कोवेलियंट नेचर में होगा और ये Al2Cl6 मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और जितने भी कोवेलियंट हैलाइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, आयनिक हैलाइड आयनिक क्लोराइड आयनिक ब्रोमाइड आयनिक जो भी है क्लोरीन जिसमें हेलोजन होगी वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विद वाटर इज सम सरप्राइजिंग, व्हेन यू ऐड वाटर टू एल्यूमिनियम क्लोराइड अ वायलेंट रिएक्शन टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग क्लाउड ऑफ स्टीमी फ्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जैसे आप इसके साथ वाटर ऐड करोगे वायलेंट रिएक्शन होगा वाटर के साथ और HCl गैस बनाएगा, इसका मतलब है ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। द एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर जस्ट डिजॉल्विंग इट, यानी रेदर देन जस्ट इज डिजॉल्विंग इन इट, ये डिजॉल्व नहीं होता एल्यूमिनियम, ये उसके साथ रिएक्शन करता है। अच्छा अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि ये किस तरह रिएक्शन करते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखो, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यहां पर नीचे हमने अमोनिया रखा हुआ है, इसमें वाटर है। अब जैसे हम ऊपर से वाटर डालेंगे, देख लो जैसे हमने वाटर डाल दिया, वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन हो गया, ये HCl की फ्यूम्स बन गए, दीज आर द फ्यूम्स ऑफ HCl। यहां पर हमने जो रखा है वो अमोनिया सॉल्यूशन है NH3 है, व्हेन दिस फ्यूम कम आउट फ्रॉम हेयर
and they react with this ammonia, they produce white color fumes of ammonium chloride, which is the test for the presence of HCl fume. Now you see here. Yeah. These are the fumes of HCl. These are the fume of HCl. When aluminium chloride react with water, it produces aluminium hydroxide, and HCl aluminium hydroxide is this one. The solid form remain here. This is aluminium hydroxide, and these fumes are what? These fumes are fumes of HCl. Now silicon trichloride. Silicon tetrachloride is a simple Coelian chloride. Yaad rakho, ye bhi Coelian chloride hai. If it is Coelian chloride, it must react with water. It undergo hydrolysis. There is not enough electronegativity difference between the silicon and the chlorine for the two to form ionic compound, ionic bond. As I discussed in the previous lecture, that for forming ionic bond, there are two necessary conditions. The first one is the electronegativity difference must be greater than 1.7. And the second one is that the combining substances, among the combining substances, one will be metal and the other will be non-metal. So here, the both are non-metal, and the electronegativity difference is also less than 1.7. So when they combine with one another, they form Coelian bond instead of ionic bond. Now the silicon tetrachloride fumes in moist air because it reacts with water. If you place it in a moist air, you will see some fume of hydrogen chloride, because the silicon tetrachloride react with the moist air producing hydrogen chloride fumes gas. If you added water to silicon tetrachloride, when you add water, there is a violent reaction. Here the reaction is also violent to produce silicon dioxide, a solid form, and fume of hydrogen chloride. In a large excess of water, the hydrogen chloride will of course dissolve to give a strongly acidic solution. अगर आपने water ज्यादा डाल दिया, तो जो hydrogen chloride की fume बन रहे हैं, they are highly soluble in water, so ये water में dissolve होंगे, and the solution become acidic. So in simple word, we say that when silicon tetrachloride react with water, it produce acidic solution along with the formation of solid silicon dioxide. Now we will see this reaction of silicon tetrachloride. Now this is the reaction. Silicon tetrachloride is a liquid form. Silicon tetrachloride exists on a liquid state. Now you see, this is silicon tetrachloride liquid. This is silicon tetrachloride liquid. Now you see, this is a moist litmus paper, blue litmus paper. And you know that this, the ability of acid is that it will convert blue litmus paper to red. Now when we put here a moist blue litmus paper, the fumes coming from the vapor coming from the silicon tetrachloride react with these moist, and they produce HCl gas, hydrogen chloride fume. And hydrogen chloride is acid. When these fume when these fume attach with this litmus paper, they change the color of litmus paper from blue to red, which indicate that the fume coming here are acidic in nature. Now you see, these are fumes. These fumes are the fumes of HCl, and the paper become red. Now this is the reaction. Silicon tetrachloride react with water, it produce hydrated silicon dioxide and HCl. Now you see, these are the fumes of HCl.
These are the fumes of HCl. Now the phosphorus chloride. There are two phosphorus chloride, phosphorus 3 chloride and phosphorus pentachloride. The one is PCl3 and the other is PCl5. The 3 and 5, these 3 and 5 indicate these 3 and 5, this 3 and this 5 indicate the oxidation state of phosphorus in this compound. Phosphorus 3 chloride, this is another simple Kuhlian chloride, again fuming liquid at room temperature. Phosphorus 3 chloride react violently with water. Ye bhi water ke saath violent reaction karta hai. And we will get H3PO3 and fume of hydrogen chloride gas. When we treat phosphorus trichloride with water, it will give us phosphorus acid, H3PO3 and HCl. This is phosphorus acid. When we talking about phosphorus pentachloride, PCl5, it also have a violent reaction with water producing fume of HCl, as with the other Kuhlian chloride. Jis tarah baaki Kuhlian chloride ke sath bhi HCl banta hai, to yahan par bhi HCl banega. But in this case, we will receive phosphoric acid. Here is the phosphorus acid and here is the phosphoric acid. When phosphorus pentachloride react with water, it produces phosphorus acid. Now the phosphorus chloride, it will produce produce phosphoric acid. When it react with water, it produce this one, and when you added excess of water, now the phosphoric acid will produced. Now you will see the reaction of these. Phosphorus pentachloride is a solid form. This is a solid form. When you it react with moist, it produce HCl, which turn the blue litmus paper into red. These fume are the fume of HCl, and the litmus is turned red because of the presence of HCl. These are the vapor of hydrogen chloride gas. Now you see the vapor. Now we added water directly, moist. When we add water, now you see the reaction. This is so violent reaction. Disulfur dichloride is formed when chlorine react with hot water. Disulfur chloride is simple covalent. Its color is orange. Orange liquid shakal mein exists karega. और इसका रिएक्शन वाटर के साथ थोड़ा स्लो है, लेकिन ये मिक्सचर अब कंपाउंड बनाएगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होगा, सल्फर भी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा. इस वजह से इसका रिएक्शन मुश्किल है, रिएक्शन लिखना इसका मुश्किल है. अब इसका हम देखते हैं, तो ये देख लो, ये देखो, डायसल्फर डायक्लोराइड लिक्विड, ये ऑरेंज है, ये देखो. अभी इससे हाइड्रोजन की फ्यूम निकल रहे हैं, ये देखो हाइड्रोजन. इधर हम अमोनिया रख देते हैं, ये हाइड्रोजन की फ्यूम जब इधर रिएक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर बन रहा है, दीज आर द फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो इस ये हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, इसी वजह से इसका रिएक्शन लिखना मुश्किल होगा. इट विल प्रोड्यूस HCl, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S मिक्सचर. सो